20,000 मांग रहे थे। देखो पॉजिटिव प्रेयर का रिजल्ट देखो, पहले 20 मांगने अब उसके पास पैसों का अरेंज नहीं हो रहा, पर जैसे इस प्रार्थना को करने के लिए उसने सीख लिया कैसे धन्यवाद करो, हो चुका। उसी दिन बुला लिया, क्या कर लिया, उसी दिन बुला लिया और गीत रिलीज हो उसी दिन। चलो पहले हम एक गवाही को देखते हैं, फिर आगे वचन देखते हैं। ये सिस्टर पाकिस्तान से है, क्या नाम क्या है मुझे तो पता भी नहीं है नाम क्या है। हाँ इनका नाम क्या है, नाम लुबना, लुबना नाम है जी, पाकिस्तान से सिस्टर है। जैसे कुछ दिनों पहले हम फॉर्म की प्रेयर्स के बारे मैंने अनाउंस किया, कुछ मैंने अलग से वीडियो डाली, इसने उनको सुना, मीटिंग को सुना, तब इसकी कॉल आई। क्या आई इनकी कॉल आई हमको, तो सबसे पहले हम गवाही को देखते हैं इनकी। हाँ स्टार्ट करो, कैसे परमेश्वर के जीवन में बड़ा काम किया इस पॉजिटिव प्रार्थना से और जो हम करते। मैं गीत लिखती हूँ और गीत गाना भी चाहती थी, मगर मेरे पास पैसों का रेंज नहीं हो रहा था। फिर मेरा रابطہ इस सिस्टर से हुआ, तो मैंने इनसे दुआ करवाई, तो मैंने इनसे कहा सिस्टर जी मेरे पास पैसों का रेंज नहीं हो रहा, तो मैं गीत गाना चाहती हूँ, खुदा के नाम को इज्जत जलाल देना चाहती हूँ, यकीनन वही इज्जत जलाल के लायक है। तो सिस्टर ने मुझसे कहा सिस्टर आप ये ना कहें मैं गाना चाहती हूँ, बल्कि खुदा के आगे आप दरख्वास्त रखें और आप खुदा से जब भी मांगते हो तो ये कह के मांगा करो कि ये मेरे लिए हो गया है। यकीन करें मैंने उसी तरह दुआ करनी शुरू कर दी कि ये मेरे लिए हुआ नहीं बल्कि मैं कर चुकी हूँ। तो यकीनन खुदावन ने उसी शाम मेरी दुआओं का और सिस्टर की दुआओं का जवाब दिया और मैं शाम को ही रिकॉर्डिंग शुरू हो गई मेरी। तो ये सारी इज्जत ऑनर मेरे यस्सु के नाम को है और उसके बाद उस सिस्टर के नाम को जिसने मेरे लिए दुआ की और अपने खादमों से भी करवाई। हमारे पाकिस्तान में खुदा के खादमों को हम लोग पास्टर कहते हैं, आपकी ज़बान में पता नहीं क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मगर जो भी कहते हैं हम उनकी इज्जत करते हैं, जारी बात है खुदा के खादम है। तो सबको जितनी भी टीम है इस चर्च की, सब टीम को मेरी तरफ से सलाम, पूरे पाकिस्तानियों की तरफ से सलाम, और खुदावंद यूं ही अपने सुर में तैयार करे और जगह जगह खुदा के नाम को जानने वाले लोग हों। तो ना सिस्टर मुझे जानती है ना मैं सिस्टर को जानती हूँ, मगर खुदा का रूह हम सबको जानता है जीजो। तो थैंक यू सो मच सिस्टर जी, और आप सब टीम का भी शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे लिए दुआ की। अब दुआ करें कि ये गीत लोगों को पसंद आए और सारी इज्जत ऑनर मेरे यस्सु को मिले, आमीन। हालेलुया। सुनो हमारा परमेश्वर धर्म को बनाने नहीं, धार्मिकता को बनाने के लिए है, धर्म को नहीं। पाकिस्तान तो किनका देश है, मुस्लिमों का, आधे से भी ज्यादा लोग प्रभु में हैं, आधे तो होंगे ही फिर जो लोग जान रहे हैं सच्चा परमेश्वर। इस दुनिया को बनाने वाला वो धर्म बदलने के लिए नहीं, जीवन को बदलने के लिए आया है। और लोग समझते हैं जीसस एक धर्म है, वो धर्म बदलते हैं, यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आया है। आमेन, हालेलुया। क्या धर्म बदला है, किसका धर्म बदला है, यहां पे बताओ किसका धर्म बदला है। हाँ अगर तुम ये सत्य समझ गए, तुम दुनिया ये बनाई, दुनिया तुम्हें फीकी लगेगी, दुनिया की चीजें तुम्हें फीकी लगने लगेगी, जब तुम में परमेश्वर का प्रेम समझ आएगा, फिर तुम जैसे बाइबल में लिखा अपने लिए नहीं, अब उसके लिए जियो जो सबके लिए मरा और फिर जी उठा, फिर तुम अपने लिए नहीं फिर उसके लिए जियोगे। हमें अब ये परेशान थे, बोलो क्या थे, पहले तो उन्होंने कहा हमारे तो वहां पे जो पास्टर होते हैं उसे खादिम बोलते हैं,
क्या बोलते हैं पास्टर को? खादिम बोलते हैं, पता नहीं आप क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो। तो इसको हमारी टीम ने, बच्चों ने क्या सिखाया? पॉजिटिव प्रेयर के बातें, जो यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने समझते हैं यहां के, यहां की टीचिंग समझते हो? लोग पड़ोसी देश में बैठे हैं और काम ले रहे हैं खुदा से, तुम मेरे सामने बैठे हो। इतने मेरी बात समझ रहे हैं? जब उसे सिखाया गया, समझाया गया कैसे प्रार्थना करनी है, किस रीति से करनी है, मांगने के बाद क्या करना है, धन्यवाद परमेश्वर ये हो चुका है, ये मिल चुका है। सब ऐसे प्रेयर नहीं करते, क्रिश्चियनिटी में सब लोग ऐसे प्रेयर नहीं करते। मैंने कहा, मैंने खुद लोगों को मिला, कितने लोग हमारे पास आए जो नेगेटिव प्रेयर करते थे। क्यों हम कहते पॉजिटिव प्रेयर करो, वो नेगेटिव प्रेयर करते थे, मांगते थे। कई लोग तो कहते हम पापी, अन्य कम में हम पर दया करो जी, प्रभु जी हम ऐसे योग्य नहीं, हमें कोई खूबी लियाकत नहीं है। पहला पत्रस 2:9 में लिखा, तुम चुना हुआ वंश, राज, पददारी, जाजकों का समाज हो। पहले तुम पर दया नहीं हुआ, हो गई है, अब होगी। लोग कहते दया करो जी, कृपा करो, चंगा करो। बाइबल कहती तुम चंगे हो गए हो कि चंगा करो। वो ऐसे प्रार्थना करते प्रभु चंगा करो, रोज कहते प्रभु चंगा करो, हील करो, ये करो, वो करो, रोज कहते करो करो। पर पॉजिटिव प्रेयर क्या है? एक बार मांगने के बाद रोज धन्यवाद करो, ये हो चुका। जब टीम ने, बच्चों ने सिखाया ये, बोलो क्या सिखाया? तुम धन्यवाद करो, आपका गीत रिलीज हो चुका है। कितने कितने जब ये प्रार्थना सिखाई तो कितने दिन बाद इनका ये गीत रिलीज हो गया? उसी दिन इनको कॉल आ गई थी, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग वाले थे वो 20,000 रुपया बोल रहे थे, पर इनके पास पैसों का रेज नहीं हो रहा था। तो जैसे इन्होंने इस पॉजिटिव प्रेयर को किया तो 12,000 में इन्होंने इनका जो गीत था वो रिकॉर्ड उसी दिन ही इनको बुला लिया था। ओ, 20,000 मांग रहे थे। देखो पॉजिटिव प्रेयर का रिजल्ट देखो, पहले 20 मांग रहे थे, मांगने, अब उसके पास पैसों का अरेंज नहीं हो रहा, पर जैसे इस प्रार्थना को करने के लिए उसने सीख लिया कैसे धन्यवाद करो, हो चुका। उसी दिन बुला लिया, क्या कर लिया? उसी दिन बुला लिया और गीत रिलीज हो गया उसी दिन। आमेन, हालेलुया। गीत को सुनना चाहते हो? गीत को सुनना चाहते हो? चलो लगाओ जी, गीत भी लगाओ, सुने लगाओ। पौने जाना दरबार ना ताके गल बिच पौने ने, अबलीस दे जादू टूने यसू तो फेल करोड़े ने, अबलीस दे जादू टूने यसू तो फेल करोड़े ने। सारा पैसा रोड बैठी सा मैं ता विच बीमारी दे, सारा पैसा रोड बैठी सा मैं ता विच बीमारी दे, जमा पूंजी भी खो बैठी सा मैं ता विच निचारी दे, जमा पूंजी भी खो बैठी सा मैं ता विच निचारी दे। हालेलुया। हां, अबलीस दे तागे तवीत किदे कोलो फेल करवाड़े होना, क्योंकि वो कौन करवाता है ये सारे काम, कौन कराता है? ये सॉन्ग है, सारा पैसा जो बीमारियों पे जितनी जमा पूंजी थी, बोलो क्या थी? मैंने बीमारियों पे क्या कर दी, है ना? ये गीत के शब्द थे।
जो खुदा ने इस प्रार्थना से एक ही दिन में रिजल्ट दे दिया। हालेलुया। चमत्कार करने वाला खुदा आपके अंदर बैठा है। मैंने कहा वो आपके अंदर बैठा है। हालेलुया। कितने चमत्कार चाहते हो, कितने काम चाहते हो? मैंने कहा आपके अंदर बैठा भाई वो। समझ जाओ दाऊद की तरह। आमीन। मैंने कहा समझ जाओ। हम इस गवाही को अलग से काट कर डालेंगे ताकि लोग परमेश्वर की इस प्रार्थना से रिजल्ट ले पाए, पॉजिटिव प्रेयर से अपने जीवन में बड़े रिजल्ट ले पाए। इसको कल शाम को डालेंगे, तुम भी सुनना, दोबारा सुनना, दोबारा सुनना और शेयर करना दूसरों के साथ जो अभी देख रहे हैं या कल देखें। इसको शेयर करना ताकि लोगों का भला हो, लोग जल्दी से, जैसे यीशु मसीह ने कहा वो चुने हुए के देर नहीं करता, पर कब नहीं देर करता, जब तुम धन्यवाद कर रहे हो। क्या कर रहे हो? चेलों को यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करनी सिखाई, पहले तो कहते हैं हमें प्रभु प्रार्थना करनी सिखा, पहले एक सिखाई, वो तो सिर्फ एक टाइटल था, पर जब दूसरी बार उसने उन्हें कहा इस पहाड़ को गो, मरकुस 11:22-24 में, यहां से उखड़ और समुन्द्र में जा पड़, अपने मन में संदेह नहीं करना, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो प्रतीति कर लो, वो के रोज कहना चले जा चले जा चले जा। मांगने के बाद, हुक्म आज्ञा देने के बाद उस पहाड़ को संदेह नहीं करना, बाद में प्रार्थना करनी और प्रतीति करनी, ये हो चुका है। आमेन। करो आज से ये पॉजिटिव प्रेयर में और बढ़ जाओ। खुदा तुम्हें तुम्हारे जीवनों में, परिवारों में बड़े फलों को, बड़े रिजल्ट को देने वाला है। आमेन। हालेलुया।